हार विंद कहती है, मैं केवल कैलाश में नहीं, केवल तीर्थों में नहीं, केवल वैकुंठ में नहीं, मैं तो भक्तों के हृदय में वास करती हूँ, प्रत्येक भक्त के हृदय में वास करती हूँ। और पुत्र, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने हृदय में छानना होगा, मैं तुम्हारे हृदय के भीतर ही तो बैठी हूँ, मैं कहीं दूर थोड़ी ना हूँ। और इसी बात को देखिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ईश्वरे सर्वभूतो नाम हृदये अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन तुम्हारे हृदय के भीतर बैठा हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ। और इसी बात को भोलेनाथ को भी हम कहते हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामी, भवम भवामी सहितम नमामी। हम कहते हैं ना कि वो भगवान, भगवान भोलेनाथ सदा मेरे हृदय आसन में विराजमान रहते हैं, माँ भवानी के संग। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामी, माँ के संग मेरे हृदय कमल में विराजमान रहते हैं। अगर वो हृदय कमल में विराजमान है तो फिर क्या करें, कैसे उनको जाने। जिस वक्त राजा हिमवान ने यह बात सुनी, माँ कहती है मैं तुम्हारे हृदय कमल में बैठी हूँ, तुम्हारे अंदर ही हूँ, इसको आध्यात्मिक हृदय की कहा दिव्य दृष्टि। तो उस वक्त राजा हिमवान माँ से प्रश्न एक और पूछते, कहने लगे, माँ अगर आप मेरे हृदय में है तो फिर आप वो हम जान कैसे सकते हैं, फिर किस प्रकार आपको जाने और आपका रूप क्या है। तो उस वक्त माँ कहती है कि मैं ज्योति रूप में तुम्हारे घट के अंदर ही विद्यमान हूँ। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माँ कहती है शक्ति रूप में तुम्हारे हृदय के भीतर ही मैं विद्यमान हूँ। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्योति श्यामोपि तद् ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम् ज्ञानगम्यम् हृदय सर्वस्य विश्वतम। मैं तुम्हारे हृदय के भीतर ज्योति रूप में विराजमान हूँ, अर्जुन तुम मुझे हृदय के भीतर ही जान। जिस वक्त राजा हिमवान माँ मैना को कहते हैं कि अगर आप ज्योति रूप में मेरे हृदय में मेरे घट में विद्यमान हैं तो फिर मैं देखूं कैसे आपको। जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मेरी आंखों के आखिर अंधकार आता है, फिर मैं आपको कैसे देखूं। उस वक्त माँ देवी स्वयं कहती है, माँ जगदम्बिका भवानी ने कहा कि हे राजा हिमवान, तुम्हें मुझे देखने के लिए एक दिव्य दृष्टि चाहिए। वो दिव्य दृष्टि इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, ना तो मम शक्य से दृष्टो मने न स्व चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्यमे योगमेश्वरम्। कहा अर्जुन तुम मुझे दो नेत्रों से नहीं, तुम्हें दिव्य नेत्र चाहिए जिसके द्वारा तुम मेरा ज्योति रूप में दर्शन कर पाओगे, मेरे वास्तविक रूप के साथ जुड़ पाओगे, और जब उसको जान लिया तो कभी तुम उसे दूर नहीं हो पाओगे। और इसीलिए उस नेत्र की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि भगवान शिव के मस्तिष्क पर वो तीसरा नेत्र देखते हैं, इसीलिए हम उनको त्र्यंबकम भी कहते हैं। एक नेत्र उक्त नेत्र को सूर्य नेत्र कहते हैं, एक को चंद्र नेत्र कहते हैं, और जो तीसरा नेत्र है उसको अग्नि नेत्र कहते हैं। ये अग्नि ऐसी है जो हमारे मस्तिष्क को जलाती नहीं है, वो हमारे कर्मों को जलाती है, हमारे बुरे संस्कारों को जलाती है, और फिर ईश्वर के साथ उस ज्योति के साथ हमारा मेल हो जाता है, तब हम कहते हैं वो व्यक्ति ज्योति ज्योत समा गया। ये है सच्ची भक्ति साधकों। और इसीलिए हम महादेव को त्र्यंबकम कहते हैं कि उनका तीसरा नेत्र केवल महादेव के मस्तिष्क पर नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर तीसरा नेत्र है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं। और हमारे साइंटिस्ट, हमारे स्पेशलिस्ट इस बात को सिद्ध भी कर रहे हैं। कहते हैं जिस वक्त एक भ्रूण माता के गर्भ में होता है, शुरुआती दौर में उसके तीन नेत्र होते हैं, जैसे जैसे बच्चे का विकास होता चला जाता है उसका वो तीसरा नेत्र बंद हो जाता है और दो नेत्र खुले रह जाते हैं, जो संसार को देख सकते हैं, भगवान को नहीं, क्योंकि ये नेत्र अंधे हैं,